लेट अस स्टार्ट अवर वीकली करंट अफेयर्स 9th अक्टूबर टू 14th अक्टूबर 2023। द वेरी फर्स्ट न्यूज आइटम, तो पहले जो न्यूज है वो क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 क्या है? व्हाट इज द न्यूज आइटम? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अब ये रिपोर्ट कौन देते? हू गिव दिस रिपोर्ट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन है इट गिव्स द रिपोर्ट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्स, ठीक है? तो आवाज क्लियर है हमारी है कमारी? क्लियर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है? 111। इंडिया रैंक इज 111। कितने कंट्रीज के अंदर? टोटल कंट्रीज कितने थे? 125। अब इंडिया का स्कोर, व्हाट इज द स्कोर ऑफ इंडिया? 28.7%। इंडिया का स्कोर क्या है? 28.7%। अगर सिचुएशन बोले, सिचुएशन इज सीरियस सिचुएशन ऑफ हंगर, इसमें जो पैरामीटर्स है 16.6% अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अंडर नरिशमेंट? 16.6% क्या है? अंडर नरिशमेंट है। और अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट कितनी है? व्हाट इज अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट? 3.1 20 में अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट इज 16 पॉइंट, अंडर नरिशमेंट मोर्टैलिटी 16.6%, अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट इज 3.1%, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इज इशूड बाई कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हेल्थ। इंडिया रैंक 111, टोटल कंट्रीज 125, स्कोर 28.7%, सिचुएशन सीरियस, सिचुएशन क्या है? सीरियस है। अंडर नरिशमेंट 16.6% है और अंडर फाइव मोर्टैलिटी रेट, माने जो बच्चे 5 साल के अंदर मर जाते, डेथ हो जाती, तो क्या है? 3.1%। समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट स्लाइड। अगर यही कंट्रीज में देखें आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के टॉप थ्री कंट्रीज कौन कौन है? What are the top three countries? Belarus, Bosnia and Herzegovina. इधर क्या है? हंगर की प्रॉब्लम बहुत ही कम है या बिल्कुल नहीं है? These are the three countries, top three countries. और बॉटम थ्री कंट्रीज की अगर बात करें तो देर आर, वन इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR, मेडागास्कर एंड यमन आर द बॉटम कंट्रीज, एकदम लास्ट में, ठीक है? समझ में आ गया? तो टॉप थ्री कंट्रीज जिसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, बेलारस, बोस्निया हर्जेगोविना एंड चिले। बॉटम थ्री कंट्रीज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मडागास्कर एंड यमन। 2023 में रैंक क्या था इंडिया का? व्हाट द रैंक इन 2023? ये साल क्या है रैंक? 107 107 2023 ये साल क्या है रैंक?
111 वन 111। लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट ईयर कितना है, 107 था। कितने कंट्रीज के सेवन बीच में, 121। 121 लास्ट ईयर 121 कंट्रीज, ये साल 125 कंट्रीज। प्लीज रिमेम्बर दिस, ठीक है। तो डाउट है इसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, ज्योग्राफी से रिलेटेड है ये। पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट, व्हाट इज पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट? ये क्या है, ज्योग्राफी का पॉइंट है। इट इज अ पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट जो किधर डिस्कवर हुआ, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कहाँ डिस्कवर हुआ ये, डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और क्या स्टडी कर रहे हैं चीज को, एंशियंट रॉक्स इन बोर्नियो। बोर्नियो बोल के जगह है, वो जगह में जब स्टडी कर रहे थे समझ में आया ये टेक्टोनिक प्लेट है, वो ये अंदर धस गई थी। ये प्लेट क्या है, एक दूसरे प्लेट के अंदर आके धस गई, ठीक है। अब इसमें ये प्लेट को और एक नाम है, ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट। इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फेरिक प्लेट। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, क्या क्या है, दे आर मैसिव, बहुत ही बड़े, इरेगुलर शेप। दे आर मैसिव, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक कंपोज ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल और ओशनिक लिथोस्फेयर। जमीन और समंदर के नीचे जो जमीन जमीन आती, वो दोनों को मिला के ये रॉक प्लेट बनी। सो है समझना शोएब, जी, फोन कर पूछ बेटा उससे, क्या पूछ, क्या बोले? हेलो, हेलो, क्या पूछ रहे आप? हेलो, तो ऑल्सो कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक प्लेट, ठीक है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। 3D, फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस। क्या है 3D प्रिंटेड हाउस? 3D प्रिंटेड हाउस माने थ्री डायमेंशनल प्रिंटेड हाउस। व्हाट इज 3D? थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल प्रिंटेड हाउस कहाँ बनाए? तिरुवनंतपुरम, केरला, तिरुवनंतपुरम, केरला में बने, ठीक केरला। है। और किसके मदद से? तिरुवनंतपुरम केरला किसके मदद एक से? स्टार्टअप भाई ये कंपनी टावस्टा। है, कंपनी का नाम क्या है, तवस्ता। एक स्टार्टअप तवस्ता बोल के नाम है, जो 3D प्रिंटेड हाउस बने। और कितने दिनों के अंदर? 28 डेज में बना बना लाए, प्रिंट करे, लाके इंस्टॉल कर दिए। तो प्रिपेयर इन 28 डेज। अब ये तो क्या 3D प्रिंटेड हाउस हो गया केरला में, लेकिन इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किधर बना है? बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु, कर्नाटका, बेंगलुरु, कर्नाटका, कर्नाटका, याद रखिए, ठीक है। इंडिया फर्स्ट प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक। डाउट है इसमें? नो सर। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023। व्हाट इज लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट? कौन देते ये? बाय मॉस्पी। व्हाट इज मॉस्पी?
लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉस्पी का फुल फॉर्म क्या है? एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है इसके हिसाब से? माने अगर 37% पूरे 100 जॉब्स है तो उसमें फीमेल कितने हैं? 37% परसेंटेज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखे, अगर शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2022-23 में कितना आया? 3.2% 3.2%। रूरल में 2.4% 2.4%। जेंडर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर देखे तो मेन में 3.3% है और वुमेन में 2.9% याद रखो जेंडर का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। और साल क्या है? 2022 से 2023 तक है, थ्री तक लास्ट ईयर से, ठीक है। तो कौन देते हैं लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट? हू गिव्स द लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट? हू गिव्स लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लीज रिमेम्बर। नेक्स्ट स्लाइड, राइट्स, RITES, राइट्स। व्हाट डू यू मीन राइट्स? रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। रियल इंडिया, RAIL, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, क्या है ये? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, सर्विस ये किसके अंदर आता? कम्स अंडर अंडर रेलवे मिनिस्ट्री, अंडर द रेलवे मिनिस्ट्री। फुल फॉर्म मिनिस्ट्री क्या है? कब आया? अभी आया रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस एस्टैब्लिश इन 1974। हेडक्वार्टर्स किधर है? गुड़गांव। गुड़गांव किधर है? इन गुड़गांव कौन से स्टेट में? हरियाणा। इट इज इन हरियाणा। नेक्स्ट, अब करंट चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एंड एमडी राहुल मित्तल। तो जो भी कंपनियां न्यूज में है उसका करंट चेयरमैन एंड एमडी आपको याद है एग्जाम के लिहाज से। अब ये कौन सी स्टेटस, व्हाट इज द स्टेटस? महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न बोल के रहता। तो ये राइट्स का स्टेटस क्या है? नवरत्न स्टेटस कंपनी। और इंडिया की कौन सी नवरत्न स्टेटस कंपनी है ये? 16th नवरत्न स्टेटस कंपनी है। और इससे 16 से पहले 15, से पहले क्या था? 15th। तो 15th नवरत्न कंपनी वॉज, अगर ये 16th है तो 15th क्या है? इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी वॉज द 15th नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया। समझ आ रहा? Yes, so, rights माने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस अंडर रेलवे मिनिस्ट्री 1974, गुड़गांव, राहुल मित्तल,
चेयरमैन नवरत्ना स्टेटस 16th नवरत्ना कंपनी कंपनी 15th नवरत्ना इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी ठीक है तेरा पॉइंट यस सर जी सर ओके नेक्स्ट 13th अक्टूबर 13th अक्टूबर को क्या खास है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तो 13th अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज और ऑब्जर्व एज 1989 रिडक्शन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिस्क रिडक्शन रिडक्शन याद रखिए सबसे पहले कब स्टार्ट करें ये 1989 में स्टार्ट करें और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ दिस टू राइज अवेयरनेस अबाउट द रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स इन पीपल एंड कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड So, to raise awareness about the reduction of the risk of disasters in people and communities. People and communities around the world. Or, theme kya hai? What is the theme of this year? Fighting inequality for a resist. Fighting inequality for a resilient. For a resilient. Resilient future. Fighting inequalities for resilient future. Sonia, clear a point? Yes, sir. Resilient money? Yes, sir. कोई भी झटका आ गया तो उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत रखनी उसको बोलते रेजिलियंट फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलियंट फ्यूचर ठीक है क्लियर है पॉइंट डाउट है नो सर नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए कल्चरल जंस्कार फेस्टिवल जंस्कार फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं जंस्कार फेस्टिवल लद्दाख जो एट प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है ठीक है किस लिए मनाते टू प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म ऑफ लद्दाख टू प्रमोट कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म ऑफ लद्दाख और लद्दाख के अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स लद्दाख फेस्टिवल लोसार फेस्टिवल एमी सेचू एंड डॉस्मो फेस्टिवल फेस्टिवल ठीक है तो जंस्कार फेस्टिवल किधर मनाते पूछता हूँ इट इज इन लद्दाख प्रमोट द कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म ऑफ लद्दाख और ये नामा है लद्दाख लोसार एमीस एंड डॉस्मो फेस्टिवल्स को ठीक है समझ आ गया यस सर ओके वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 अवार्ड्स क्या है अवार्ड का नाम क्या है अस्सलाम वालेकुम सर बोलिए थोड़ा स्लाइड आप पीछे लेते मैं लास्ट की पॉइंट लिख रही थी हेलो हाँ आप थोड़ा स्लाइड पीछे मैं लास्ट की पॉइंट लिख रही थी ये आपको मैं पीपीटी भेजाता हूँ क्लास के बाद हाँ सर मतलब सबके साथ लिख ले तो याद रहता या ओके कहाँ कहाँ लिखे लद्दाख लोसार एमीस एंड डॉस्मो फेस्टिवल थैंक यू लिखिए या जी नेक्स्ट थिंग इज वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 अवार्ड्स
किसको मिला फर्स्ट पब्लिक सेक्टर सेक्टर अंडरटेकिंग, माने गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया की सबसे पहली गवर्नमेंट कंपनी को मिला, इंडिया से पहली बार किसको मिला? एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? नेशनल नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन ठीक है, अब कब एस्टैब्लिश हुई है? बिल्कुल एस्टैब्लिश 1975 सेवेंटी 7 नवंबर 1975। फाइव हाय न्यू हेडक्वार्टर किधर है? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली। स्टेटस क्या है इसका? महारत्न कंपनी एक महारत्ना कंपनी है। इससे पहले कौन सी कंपनी देखे थे? नवरत्न कंपनी क्या है नवरत्ना कंपनी का स्टेटस क्या था? रॉयल आ कौन सी रही नवरत्ना थी? 16th 16। अब ये एनटीपीसी क्या है? महारत्ना है। अब ये एनटीपीसी का रैंक क्या है? वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 का एनटीपीसी का रैंक क्या है अपने को? व्हाट इज द रैंक वी हैव गॉट? 261 261 260 फर्स्ट रैंक है। 260 फर्स्ट फर्स्ट रैंक रैंक कितने कंपनियों के अंदर? है आउट ऑफ सेवन सेवन हंड्रेड हंड्रेड आउट ऑफ 700 सेवन कंपनी। उनके करंट चेयरमैन एंड एमडी कौन है एनटीपीसी के? श्री गुरदीप सिंह गुरदीप सिंह गुरदीप सिंह। सिंह और इसलिए दिए, व्हाई दे हैव गिवन दिस अवार्ड? बेस्ट पीपल बिफोर लैंड लॉक प्लैंड फैक्टर लोड फैक्टर मेंटालिटी। काम से पहले मतलब किसको रखना है? लैंड लॉक फैक्टर लैंड पीपल लॉक बिफोर पी एल एफ। पी एल एफ माने प्लांट लोड फैक्टर मेंटालिटी, माने पहले इंसान फिर काम। जाने तो बाकी जहान है बोली। ठीक काम है, तो याद रखो एनटीपीसी फुल फॉर्म क्या है? महारत्ना है और 2261 रैंक है। गुरदीप सिंह इसे करंट चेयरमैन है, एमडी है। तो व्हाट आर द रीजन? पीपल बिफोर पी एल एफ एंड लोड फैक्टर मेंटालिटी। ठीक है, समझ आ गया? यस सर नो? यस सर ठीक यस सर शैल आई मूव नेक्स्ट स्लाइड? यस अभी ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 है, कौन दिए लिस्ट? ये गिवन बाय फोर्ब्स। बाप वो भी कंपनी है, फोर्ब्स प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी। ठीक है, जो एम्प्लॉयज जो बहुत ही लॉयल रहते, तो एम्प्लॉयज हु आर टू लॉयल। ठीक है, कंपनी के लिए। अब ये इंडिया का रैंक, इंडिया कंपनी का रैंक क्या है? टू व्हाट इज द सिक्सटी रैंक? फाइव 261। लेकिन अब एनटीपीसी वो तो 261 है, 260। लेकिन फर्स्ट टॉप थ्री कंपनीज कौन से आते हैं? तो टॉप थ्री सैमसंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट अल्फाबेट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। सैमसंग कौन सी कंपनी है? कौन सी कंपनी कंपनी है? सैमसंग कंपनी कौन से ताइवान कंट्री की है? सैमसंग कंपनी कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, चाइना, जापान, कौन से कंट्री की है?
है, प्लीज राइट इट इन द, ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जब कमेंट्स में लिखो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से कंपनी की है, माइक्रोसॉफ्ट कौन से कंट्री की है, यूएसए, अल्फाबेट कौन से कंपनी की है, हेलो यूएसए, अल्फाबेट क्या है, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, गूगल की पेरेंट कंपनी है, और व्हाट आर द क्राइटेरिया पीपल बिफोर पीएलएफ, लोड फैक्टर मैकेनिकल के बेस पे लोग आपको जज करते, ठीक है, और लॉयल्टी बोलते, तेरा पॉइंट नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सुल्तान जौहर कप क्या है, सुल्तान जौहर कप कौन से स्पोर्ट्स में देते, विच स्पोर्ट इज प्रोवाइडेड सुल्तान जौहर कप, व्हाट इज द स्पोर्ट्स, हॉकी, ये क्या है, हॉकी टूर्नामेंट, हॉकी टूर्नामेंट है, कहाँ टूर्नामेंट होता हर साल, मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया में होता, मलेशिया में देर इज अ प्लेस कॉल्ड जौहर, जोहर, उसमें आपको देन 2023 जो ये साल हुआ कौन सा एडिशन था, ये 11th एडिशन, कौन सा एडिशन होने वाला है संजय, और लास्ट ईयर कौन सा एडिशन था, 10th एडिशन हुआ, 10th एडिशन, जीते कौन थे, इंडिया, इंडिया वाज द विनर इन द लास्ट एडिशन, ठीक है, और ये क्या है, अंडर 21 इंटरनेशनल मेंस फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, स्टार्ट कब, कौन से साल में हुआ था, द स्टार्टेड इन 2011, ठीक है, ये अंडर 21 है, देखो याद रखो, इट इज अंडर 21 एज ग्रुप, कहाँ है जौहर, सुल्तान जौहर कप हॉकी हर साल मलेशिया में होता, जौहर एरिया 2023 में 11th एडिशन था, और ये अंडर 21 के लिए है, ठीक है, नेक्स्ट, और कितने फीचर, कितने टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, 8 टीम्स, देर आर 8 टीम्स विच आर बी विच आर पार्टिसिपेटिंग, इंडिया, मलेशिया इज द होस्ट, इंडिया लास्ट ईयर, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और कौन सी कंट्री है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ग्रेट जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, समझिए, तो दीज आर द 8 कंट्रीज विच यू नीड टू रिमेम्बर, तो ग्रेट ब्रिटेन, नेक्स्ट, IACC, व्हाट इज IACC, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, दे माइट आस्क यू द फुल फॉर्म, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, कब एस्टैब्लिश हुआ, 1968, एस्टैब्लिश इन 1968, एम क्या है, व्हाट इज द एम, to boost bilateral trade and तो बोल bilateral, bilateral माने दो कंट्रीज इंडिया और अमेरिका के बीच में, US एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, यूएस, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और करंट नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, इज द करंट पंकज नेशनल प्रेसिडेंट, बोहरा, पंकज बोहरा, दिस पंकज बोहरा हैज रिप्लेस्ड विच पर्सन,
ललित भासिन, ठीक बासिन है, दिस पंकज बोरा हैज रिप्लेस्ड ललित भासिन, याद रखिए। नेक्स्ट ऑपरेशन अजय, क्या है ऑपरेशन अजय, व्हाट इज ऑपरेशन अजय, इज़राइल और फिलिस्तीन। टू ब्रिंग बैक द इंडियन नेशनल फ्रॉम द कंफ्लिक्ट जोन, जहां लड़ाई हो रही, यस और इसराइल एंड फलस्तीन में कितने ज्यादा लोग हैं, कितने इंडियंस फंसे हुए हैं, 20,000। 20,000 इंडियंस स्टूडेंट्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, डायमंड मर्चेंट्स है, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और ये तो याद रखो, और अदर पूछे ऑपरेशन गंगा किस कौन से कंट्री के लिए चलाए थे, यूक्रेन यूक्रेन के लिए, के लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार। म्यांमार के लिए, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और तुर्की सीरिया, और सीरिया के लिए, कावेरी आठ को एक साझा, सूडान। सूडान, ठीक है याद रखो। तो कावेरी सूडान, ठीक है। तो व्हाट इज दोस्त, ऑपरेशन दोस्त फॉर तुर्की एंड सीरिया, तुर्की एंड सूर्या, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, म्यांमार, गंगा यूक्रेन, यूक्रेन, अजय इजराइल इज़राइल एंड फिलिस्तीन। एंड फलस्तीन। और एक चीज आपके नोट्स में लिख लो, ऑपरेशन मेघदूत किस लिए था, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, कैन यू स्पेल इट आउट? ऑपरेशन मेघदूत, एम थोड़ा ई स्पेल जी आउट। एच, MEGH। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ये कौन से कंट्रीज के लिए लॉन्च करे थे, ठीक है, इंडिया की तरफ से, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ठीक ठीक है। और वो टाइम पे अपना प्राइम मिनिस्टर भी कौन थे, ठीक है, तो विच कंट्रीज सर? फाइंड आउट, ओके डन। दिस विल बी ऑफ बिकॉज दिस विल कम इन योर एग्जामिनेशन, मैच द फॉलोइंग बोल गए, मालदीव्स के लिए था कैक्टस। तो कौन से ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑपरेशन अजय, गंगा करुणा दोस्त कावेरी मेघदूत एंड ऑपरेशन कैक्टस, कौन से कंट्री के लिए करें, प्लीज फाइंड इट आउट। नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जीआई टैग, जीआई टैग, व्हाट इज जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन। टैग, ठीक है, व्हाट इज ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, देखो मर्चा धान ये साल दिए, कौन से दिए, मर्चा धान कहाँ का है पूछता हूँ, मर्चा बिहार धान बिहार का है, मर्चा और मिर्चा ये क्या है, जो काला काली मिर्ची रहती वैसी रहती है, तो क्या है, फ्रॉम बिहार, मर्चा धान और मिर्चा धान फ्रॉम बिहार, सिमिलर टू ब्लैक ब्लैक पेपर, पेपर, ब्लैक काली पेपर मतलब मिर्ची, काली मिर्ची, और इसका नाम मिर्चा और मर्चा पैडी, मिर्चा और धान को क्या बोलेंगे आप,
और अगर देखे, अगर शाही लीची किधर की है? मुजफ्फरपुर। जरदालू आम भागलपुर। कतरानी चावल भागलपुर। भागलपुर। मिथिला मखाना, मिथिला बोल के एरिया है, बिहार के है पूरे ये। मगधी पान, मगध मगधा, एरिया। मगध। ठीक है, तो याद रखिए, शाही लीची, जरदारुल आम, कतरानी चावल, मिथिला का मखाना और मगधनी मगधी पान, दे आर फ्रॉम मगध। ठीक है, नेक्स्ट। सर रिसेंटली काजू का भी आया, काजू रिसेंटली काजू है, विल डिस्कस जीआई पूरा, टैग में, गोवा का। पूरा विल डिस्कस ऑल। ठीक है, सो बाय श्योर, दिस डन। वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन। 1 मिनट के अंदर अपना ये आवर सेशन विल एंड हियर। नो प्लीज रिमेम्बर, 5 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करिए। ठीक है, दिस सेशन ओके। विल एंड।